हेलो बागवान भाइयों, तो कैसे हैं आप सब। आज है 5 मार्च 2024 और बारिश के बाद का ये है माहौल। तो दोस्तों, प्लम की सेंटा रोज़ा वैरायटी में लगभग फूल फटने ही वाले हैं। थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से ठंड पड़ गई थी तो हल्की सी फ्लावरिंग डिले हो गई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस स्टेज पे है फ्लावरिंग। तो इस समय पे हम पेड़ों में कैल्शियम नाइट्रेट की एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। ये बिल्कुल पर्याप्त समय है कैल्शियम नाइट्रेट के लिए, क्योंकि जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसमें हमें कैल्शियम मिलेगा, नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन मिलेगा और कुछ नाइट्रोजन हमें अमोनिया फॉर्म में भी मिलेगा, और इसके साथ हमें बोरोन मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम प्लम के पेड़ों में डालेंगे कैल्शियम नाइट्रेट की खाद, तो आपको अपडेट करते रहेंगे उसके बेनिफिट, यूज़ करने का तरीका और कब यूज़ करनी है वो पूरा बताएंगे। तो आप बने रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज जो हम कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करने वाले हैं वो है यारा लीवा नाइट्राबोर, यारा कंपनी का है, जिसमें हमें मिलेगा 14.5% एमोनिकल एंड नाइट्रेट और 13.5% मिलेगा नाइट्रेट नाइट्रोजन। एमोनिकल और नाइट्रेट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आज बता देता हूँ। जो यूरिया होता है वो सबसे पहले अमाइड्स में टूटेगा, अमाइड के बाद वो अमोनिया में टूटता है। तो हमें ये अमोनिकल जो नाइट्रोजन है वो मिल रहा है 14.5% और उसके बाद ये टूटता है नाइट्रेट में, और जो हमारे प्लांट हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में मतलब के ग्रहण करते हैं, और इसमें मिलेगा 0.2% बोरोन। बोरोन जो है वो कैल्शियम को एक्टिवेट करने का एक बहुत बढ़िया मतलब साधन है। तो ये है आज की कैल्शियम नाइट्रेट की जो कंपोजिशन है, और इसमें हमें मिलेगा वाटर सॉल्युबल जो कैल्शियम है वो मिलेगा हमें 17%। तो दोस्तों, जो हमारा नाइट्रेट है वो नाइट्रेट लगभग 3 दिन में पेड़ों को मिलना शुरू हो जाएगा, 2 से 3 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, और इसका रहेगा लगभग 8 से 15 दिन तक इसका जो असर रहेगा, और कैल्शियम तो काफ़ी टाइम तक मिलता रहेगा हमारे प्लांट्स को। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आजकल जो यारा कंपनी के जो फर्टिलाइज़र हैं वो बहुत कॉपी भी आ रही है, तो आप कॉपी से कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ से जो इसमें लिखा रहता है, इसमें रहता है एक बैच नंबर, तो जो इस वाले बैच का नंबर है वो है 13 48 47, और ये मैंने कंपनी से वेरीफाई करवाया था तो ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। और एक सेकंड इसमें ये रहेगा कि जो इसमें ये जो टाई रहती है अंदर पैकेज के अंदर, ये बिल्कुल अच्छे पैकिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें एक स्कैनर भी लगा रहता है जो प्रिंटेड स्कैनर रहेगा, तो ये भी एक पहचान है जो हमारा ओरिजिनल कैल्शियम नाइट्रेट है 11 का। और जो डुप्लीकेट कैल्शियम नाइट्रेट आता है वो लगभग यहाँ तक भरा रहता है पूरा, उसमें ऐसा आधा बैग नहीं रहता है। वेट उसमें भी 25 किलो रहेगा, इसमें भी 25 किलो रहता है, पर उसमें यूरिया रहता है और यूरिया के जो क्या बोलते हैं दाने थोड़े मोटे होते हैं और वो ऊपर तक भरता है, और वो छूने में भी थोड़ी सी ठंडी रहती है। तो ये है आप ओरिजिनल यारा कंपनी के कैल्शियम नाइट्रेट को आइडेंटिफाई करने का तरीका। सबसे बढ़िया तरीका है जो इसमें बैच नंबर होता है, तो इस बैच नंबर को आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने वेट करने के लिए एक छोटी सी मशीन भी ले ली है। तो मेरे प्लम के पेड़ लगभग 17-18 साल के, तो इनमें जो मैं अभी फर्स्ट एप्लीकेशन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ लगभग 400 ग्राम के करीब। तो हम अब वेट करके डालेंगे, तो ये थोड़ा गलत हो गया, अब ये 0 ग्राम है। तो अब हम इस डब्बे का वेट देखेंगे कितना है, डब्बे का वेट है 60 ग्राम,
तो अभी हमें 400 ग्राम डालनी है, तो हम 460 ग्राम के करीब इसमें डालेंगे, तभी 400 ग्राम खाद बनेगी डब्बे के साथ। ये लगभग अब आने ही वाला है इसके करीब, तो ये लगभग 400 ग्राम हो चुकी है। तो अभी हम 400 ग्राम दे रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन में जब फ्रूट थोड़े बड़े हो जाएंगे उस टाइम पे भी दूंगा, उस टाइम थोड़ी क्वांटिटी कम रहेगी। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे खाद डालेंगे। तो छूने पे खाद काफ़ी अच्छी लग रही है और उतनी ठंडी भी नहीं है, क्योंकि जो डुप्लीकेट आती है उसमें यूरिया रहता है, तो यूरिया छूने से ही काफ़ी ठंडा होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, जो पानी में अच्छी तरह से गल जाता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। जो हमारा तौलिया है, तौलिए के लगभग 2 फीट बाहर हमने, तने के 2 फीट बाहर हमने नाली बनाई है, तो नाली में हम कैल्शियम नाइट्रेट खाद को डालेंगे। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, जैसे जो मैंने डब्बे में मार्क किया था, उस लेबल तक मार्क करने के बाद हम इस तरह से इस नाली को खाद से भर देंगे। इस तरह से आपको नाली में खाद को भर देना है और उसके बाद इस नाली को बंद कर देना है। तो दोस्तों, ये है कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालने का तरीका। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालते क्यों हैं। जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद है, जो ये वाला है, ये बोरोनेटेड है, तो इसमें हमें मिल रहे हैं नाइट्रोजन, कैल्शियम और बोरोन। जो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रेट, नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन रहता है वो पौधों में जो बढ़वार होती है, जो नई टहनियाँ होती है, क्लोरोफिल होता है पौधे का, जो हरापन होता है पत्तियों में, जो हरापन होता है उसको बढ़ाता है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर क्लोरोफिल बढ़ेगा तो पौधे अपना भोजन भी अच्छे से बनाएंगे और जो हमारा पेड़ है वो हेल्दी रहेगा। तो सेकेंडली, ये स्पर को भी मज़बूत करता है। और जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम जो हमारा ढांचा रहता है हमारे पौधे का, एक तो उसके लिए सहायक होता है, हमारे ढांचे को मजबूत करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पौधों की उसको बढ़ाता है। और उसके बाद जो हमारे फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट्स का जो साइज़ होगा, उसकी जो शेप होगी और उसकी जो क्वालिटी होगी, तो वो कैल्शियम से बढ़ेगी। जैसे आप इस बात को इस तरह से लेते हैं कि हमारी हड्डियों के लिए जैसे कैल्शियम ज़रूरी रहता है, तो वैसे पौधों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो तीसरा हमारा रहता है, वो न्यूट्रिएंट रहता है, वो रहता है बोरोन। बोरोन एक तो हमारे कैल्शियम को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी उपयोगी रहता है, कैल्शियम बोरोन से काफ़ी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। और जो बोरोन है, बोरोन से जो पौधों में पत्तियों में पीलापन, स्पॉट आना, और इसको दूर करता है। और ये जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग में फूलों को बढ़ाता है और जो हमारे फल है, फलों को बढ़ाता है। बोरोन भी एक काफ़ी अच्छा सूक्ष्म क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब फर्टिलाइज़र है, काफ़ी ज़रूरत रहती है इसको। तो ये था कैल्शियम नाइट्रेट का जो उपयोग और उसकी जो कैसे इसको यूज़ करना है उसके बारे में वीडियो। तो अभी हम खाद डालेंगे, तो उसके बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे कि हमने कैसे खाद डाल के बंद कर दिया है। अभी हमें इस खाद को, इस मिट्टी को बंद करना है। तो सावधानियां जो